वेलकम गाइस। तो अब पार्टी और सब खत्म हो गई, इवेंट सारा खत्म। अब उसके बाद देखिए अब अगले दिन क्या हो रहा है घर में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं किचन में, किचन में हुई, दिखाता हूँ किचन में क्या हो रहा है फिर। हम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम आ गए गाइस किचन में। तो चल रहे हैं हम गोश्त को पकाएंगे। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, गया हूँ शरीर को। दूसरे दिन तो देखो सफाई भी चल रही है घर में। माँ बेटी लगी पड़ी है, इधर सब चाय नाश्ता कर रहे हैं, इधर हम खाना बनाने की शुरुआत कर दिए हैं। तो गैस पर रख दिए हैं हम भपूना, उसमें डालेंगे हम तेल। एक पाव तक इसमें तेल डालेंगे, यानी 250 ग्राम तक तेल डालेंगे इसमें हम। तो इतना तेल इसमें हम डाल दूँ। तेल जब गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे गर्म मसाले खड़े, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, इलायची, जावे, जीरा, सा जीरा, ये सब डालेंगे। तो चलो ये सब जो कुछ में डाल दे, तेल गर्म हो गया था, ये सब पक गया। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज कटी हुई, 3 प्याज बड़ी साइज के स्लाइस में काट कर इसमें डाल दे रहे हैं। इसको डाल के चला देंगे। उसके बाद गोश्त तो धरा हुआ रखा हुआ धोकर, तो चलो देखते हैं प्याज गोश्त चला देंगे। अब हो जाएगा तब गैस चलाएंगे। ये चिमनी ना थोड़ा आवाज़ करती है, इसके इग्नोर कर दूंगा आप लोग, बस आवाज़ करती ज़्यादा। चलो अपने इसको भूनते गोश्त उसमें डालते तो आपको दिखाते। तो सारे गोश्त को हम इसके अंदर डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। पहले सारे को हम डाल दें। इसमें नीचे दो पानी है, पानी को निकाल के हमें डालना है, पानी नहीं डालना है इसके साथ हमें। तो देखो सारा गोश्त हम मुर्गे का गोश्त इसमें डाल दिए हैं। अब इसको चला चला के हमें अच्छे से भुनाई करनी है इसके। इसको संसे से पकड़ लेंगे, इसको खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे हम जब तक इसमें पानी नहीं जल जाता। इसमें पानी बहुत सारा निकलता है, जब इसको भुनाई करने लगा ना इसमें पानी बहुत निकलना, तो इसको जलाना है हमें। देखो हम तेज़ गैस पे आँच तेज़ रखें। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं, ताकि इसमें बिसाहिनपन एक अजीब से होती है ना, वो निकल जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालना आप जब गोश्त को कभी भी भूनना। तब इसको हम अच्छे से भून रहे हैं। इसके बाद देखो आ गई तरन्नुम, अब वो पकाएगी। तराना आप पकाओगे, बहुत लड़ाई करती है हमसे, कहती हैं बहुत ख़राब पकाओगे। दोनों बजे लगी पड़ी देंगे, कोई झाड़ू लगा रहा कोई पोछा लगा रहा, तो ये झाक रही है चूहक कर। तो स्पेशल बाल्टी कूड़े वाली, अभी इसको धोना है जिसमें कूड़ा हो रही है, जिसके पास बेस्ट बाल्टी हो कूड़ा दान भरा। मेरा कपड़ा भर के मैं धो कर ली तुम तो मसाला रहा इसमें इधर रख जाऊँ मैं साफ कर दिया था कबाड़ का। लेकिन 2 चम्मच डाले थे ना, 3 चम्मच। हाँ 3 चम्मच बहुत सही दिखा है, क्या डाल दिए थे ना। 4 चम्मच धनिया सारे डाल दिया, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच पूरा डाल दिया धनिया, किसी से 4.5 चम्मच या तो मिर्ची तीखी वाली। हाँ तीखी वाली मिर्ची, एक इसमें थोड़ा काली मिर्च डाल दो, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दो। हाँ नाइफ इसे नहीं है, बहुत थोड़ा होगा ना। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए, 1 चम्मच डाल दो, इससे कलर आता है तीखी थोड़ी होती है, बस ऐसा कर दिया। तो सारे मसाले को इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसमें जार को भी धो के डाल देंगे। चला के ना बंद कर देते हैं, इसलिए पानी चला के, नहीं तो पानी बहुत बेस्ट निकलता है, इसलिए पानी चला के बंद कर देते हैं। मुझे पानी नहीं डालना क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी पहले से है ना। नमक भी डाल दो साथ साथ, नहीं नमक भूल जाएंगे अभी, थोड़ा मसाला हो जाएगा फिर दही डाल देंगे। दही ना डालो, मसाला सारा दही डालने का तरीका ना, दही गैस धीमी, 1 चम्मच 2 चम्मच डालो हो जाएगा ना, 2 चम्मच। अब इसे पानी में सारा भून जाएगा अच्छे से। हाँ बेटा क्या हुआ, लाइट जला देगा
मसाला बढ़िया पाके तो मसाला देखो अच्छे से पक गया, कितनी मस्त इसमें खुशबू आ रही है। इसमें डाल दिया जाएगा पानी। देखो सब कोई मिलके पका रहे हैं आज खाना, तीनों चार लोग खाने पका रहे हैं। उसके बाद रोटी पकेगी। तो नमक इस टाइम आप चेक कर सकते हैं कि नमक इसमें ज़्यादा है या कम है, तो आप इस टाइम नमक में थोड़ा और डाल सकते हैं। तो इसमें नमक थोड़ा कम तो सफाई शुरू हो गई है। ये कपड़ा धोने दीजिए, जब सफाई कर रही हूँ। मोबाइल चलाना बंद करो, बंद करो, बस चेक कर लो। हो गया ना एकदम तो गाइस गोश्त पक के रेडी हो गया। अब हम लोग के लिए रोटी पकाने हैं, उसके बाद रोटी पका के खाना खाएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू, दुआओं में याद रखना।